हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद सना। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को ज़्यादा दिनों तक किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं और लहसुन के छिलकों को किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। ये सब हम आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले बताया है कि किस तरह से इसके छिलकों को निकाला है। हमने पतीले में पानी लिया और ये 1 किलो लहसुन है, इसे ओवरनाइट के लिए पानी में डालकर भीगने के लिए छोड़ दिया था और सुबह उसको छील लिया तो आसानी से छिलके निकल गए। यहाँ पर हमने अदरक को छील लिया है और छोटे छोटे पीसेस में काट कर इसे वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से। तो हमने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो अदरक और 1 किलो लहसुन ले लिया है। तो अदरक का सारा पानी हमने निकाल लिया है वॉश करके। अब इसे डालेंगे जार में। हम पहले डालेंगे थोड़ा सा अदरक और डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, दोनों थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसके टिप्स भी बताते जाएंगे कि किस तरह से आप इसे स्टोर करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और थोड़ा सा पानी डालकर हमें पीस लेना है। हमारा 1 किलो अदरक लहसुन है तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पीस रहे हैं, तब भी हम पीसेंगे, थोड़ा सा नमक इसमें डालकर पीसना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पेस्ट बन चुका है अदरक लहसुन का। बस इसमें पानी थोड़ा सा ही डालना है, अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये ख़राब हो सकता है। हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से सारा अदरक लहसुन हमें पीस लेना है और जो भी हम अदरक लहसुन पीसेंगे, लहसुन और अदरक जार में ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक हमें इसमें ऐड ही करना है ताकि ये ज़्यादा दिनों तक अच्छे से रह पाए। नमक डालने से ये जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो हमने यहाँ पर सारा अदरक लहसुन का पेस्ट पीस लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। काफ़ी बारीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम एक और तरीका आपको बताएंगे जिससे ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को। तो इसमें नींबू डालना काफ़ी ज़रूरी होता है। हम इसमें डालेंगे 2 नींबू। तो हमने 1 किलो अदरक और 1 किलो लहसुन लिया हुआ था, तो इसके लिए हम इसमें डाल रहे हैं 2 नींबू का जूस। अगर आप दोनों आधा आधा किलो लेकर पीस रहे हैं तो 1 नींबू डालना उसमें काफ़ी रहेगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने आपके साथ काफ़ी आसान तरीक़ा शेयर किया है अदरक लहसुन को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखने का। यहाँ पर हमारा परफेक्ट अदरक लहसुन का पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम आपको इसे भरनी में रखकर दिखाएंगे किस तरह से इसे स्टोर करके रखना है। तो पहले हमने यहाँ पर ली हुई है एक बड़ी साइज़ की भरनी, या फिर आप कोई भी प्लास्टिक का डब्बा ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इस तरह से हमने सारा अदरक लहसुन का पेस्ट भरनी में भर दिया है और इसके ढक्कन को टाइट लगा देंगे ताकि इसमें हवा ना जा सके, और इसे फ्रिज में रख देंगे कई दिनों तक या फिर कई महीनों तक। आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। तो आप लोगों को आज का ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट को स्टोर करके रखने का तरीका कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।